जहांगीरपुरी दंगों पर देखिए किताब लिखी गई है, जहांगीरपुरी द अनटोल्ड स्टोरी। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, जितनी भी तमाम महिलाएं खड़ी हुई हैं, इन्हीं की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स एक बनाई गई है, जिसमें जहांगीरपुरी दंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन लोगों ने ग्राउंड पर जाकर छानबीन की और एक एक वहाँ पर जो व्यक्ति उस वक्त मौजूद था, जिन्होंने ये सब झेला, उनसे जाके बात की है और वो रिपोर्ट तैयार की है ग्राउंड जीरो से जाके। मोनिका अरोड़ा जी इस वक्त मेरे साथ में, हम जिस तरीके से पूरी ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आप लोग लेकर आए हैं, आपने कहा है आप ग्राउंड पर गए थे, आपने बात की है, क्या बात दोनों पक्षों से हुई थी? देखिए, मेरी बात सभी से हुई है, वहाँ पर सभी लोगों से हुई, और जो ग्राउंड पर हमने देखा कि किस प्रकार से पथराव हुआ, एक तरफा पथराव हुआ, जो वहाँ पर जुलूस चल रहा था उसके अंदर पथराव हुआ, और जो वहाँ लोगों से बात हुई, उनका कहना था कि ये जो क्राइम है एक दिन नहीं हुआ है, ये लगातार इट्स एन एवरीडे अफेयर। कारण क्या है कि यहाँ चेन स्नैचिंग, यहाँ पर्स स्नैचिंग, यहाँ इल्लीगल धंधे, यहाँ इंक्रोचमेंट ऑन पब्लिक लैंड, ये लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे लोग आए हैं जो हमारी भाषा नहीं जानते, हमारा कल्चर नहीं जानते, बाहर से आए हैं। लोगों ने दबी जबान में कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्यास आए हैं यहाँ से, और शासन प्रशासन को सचेत होना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि पूरी इल्लीगल इकोनॉमी यहाँ पर बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी चल रही है। तो आप ये पूरी रिपोर्ट मैम होम मिनिस्ट्री में देने वाली हैं? डेफिनेटली, हमने रिपोर्ट इसलिए बनाई है, इसमें कुछ हमने एड्रेसेस दिए हैं, हम ये होम मिनिस्ट्री में देने वाले हैं। देखिए, एज लॉयर्स, एज प्रोफेसर्स, हमारा क्या काम हो सकता है, वी गो टू ग्राउंड जीरो, वी प्रिपेयर अ रिपोर्ट, और रिपोर्ट बनाने के बाद हम दे दें उसको। अब इसको आप लोग क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए, आप रिजेक्ट कीजिए, आप क्रिटिसाइज कीजिए, इट्स योर थिंग, पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, आप और रिपोर्ट्स ला सकते हैं। तो से आपको महसूस हुआ कि बांग्लादेशी रोहिंग्या, आपको लगा कि आइए अब जाइए और जा, मैं गई थी क्योंकि वहाँ पर लोगों ने मुझे काफ़ी बताया कि होता है चैन स्निचिंग भी होता है, दिन दहाड़े लड़के। एरियाज हैं विच आर नो गो जोन्स फॉर द पुलिस ऑल्सो, फॉर अथॉरिटीज ऑल्सो, ऐसे एरियाज हैं आप वहाँ एंटर नहीं कर सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए सेम होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए रूल ऑफ लॉ है और किसी के लिए नहीं है। एंड दिस इज हार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ मोनिका अरोड़ा जी। देखिए जिस तरीके से पूरे स्पीच में इन्होंने हमें बताया, अभी इनका स्पीच भी हम सुन रहे थे, इन्होंने ग्राउंड जीरो से जाकर ये जो अपनी फैक्ट चेकिंग रिपोर्ट है वो लेकर आए हैं, दोनों पक्षों से बात की है। जहाँ तक बात रही हिंदू और मुस्लिम की, तो हर पक्ष की बात सुनकर इन्होंने अपनी ये जो फैक्ट चेकिंग रिपोर्ट है वो बनाई है, और इसमें इन्होंने हर तरीके से जाहिर किया है कि 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में क्या हुआ था, कहाँ से पत्थर पड़े और कौन विक्टिम है, किस तरीके से पूरा दंगा शुरू हुआ, तो हर एक चीज़ इसमें मेंशन की गई है। और अब ये बता रहे हैं कि इसको होम मिनिस्ट्री तक लेकर जाएंगे और आगे इस पर कड़ी कार्रवाई की लगातार इनकी मांग है। मैम, जिस तरीके से ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आप लोगों ने बनाई है, आप लोगों ने जाके वहाँ पर लोगों से बातचीत की ग्राउंड? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी टीम गई थी 17 अप्रैल ऑनवर्ड्स ग्राउंड पे गई थी, और वहाँ पे हम विक्टिम्स से मिले, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वहाँ उनसे बात करी, और ये 100% फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, फैक्ट्स प्रेजेंट किए हमने, जो हमें वहाँ का ग्राउंड जीरो, जहाँ ग्राउंड जीरो पे जाके जो हमें ग्राउंड जीरो से ऑब्जर्वेशंस मिली हैं, रिसर्च मिला है, उसको हमने इस रिपोर्ट में। बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्यास का नाम आ रहा है वहाँ से, फैक्ट फाइंडिंग में आपको क्या लगा, क्या वहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या है? हमें लोकल्स ने जो बताया वो हमने रिपोर्ट में डाला है। अब नाउ अब हम ये कह रहे हैं दिस इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पता किया जाए कि वहाँ पे डेमोग्राफिक स्ट्रेस है या नहीं है, यदि है वहाँ पे इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं तो वो कैसे वहाँ पे इतने, क्या उन्हें आधार कार्ड्स मिले हैं नहीं मिले, ये सब चीज़ें तो देखिए अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट के सामने एक समाज के तौर पे हम लोगों ने ये प्रश्न रखे हैं। जो हमें लोकल्स ने बताया है वो हमने इस फैक्ट फाइंडिंग में रिपोर्ट किया है। यदि ये ऐसा है तो दिल्ली के कई एरियाज में ये बात सुनने को आ रही है, दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ एज पर लॉ ऑफ द लैंड, सब आपने इस किताब में लिखा हुआ है। अभी ये होम मिनिस्ट्री तक जाएगा? जी बिल्कुल, इसको हम अब कई ऐसे इश्यूज हैं जिसमें हमें और शोध करनी है, वो शोध करके हम डेफिनेटली ये होम मिनिस्ट्री को सबमिट करेंगे, और हम ये चाहेंगे कि समाज के सामने ये तथ्य एक बार क्लियर हो जाए। इट्स नॉट बिकम अ वन टाइम अफेयर, मीडिया में 4 दिन आया, 5 दिन आया और ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी अभी और वी आर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि और जगह भी, क्योंकि देर आर सच एरियाज इन द सिटी। और जगह के लिए आप लोग काम करेंगे? हम यदि ऐसा फिर कहीं हुआ तो ऑब्वियसली हम वहाँ के भी फैक्ट्स को रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल मैम, आपसे जानना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोगों ने ये पूरी रिपोर्ट बनाई है, आपने क्या अनुभव किया ग्राउंड?
हम लोग जब ग्राउंड जीरो पे गए थे तो हमने देखा, जैसे मैंने अभी अपने जब मैं बोल रही थी तब भी मैंने बताया कि हमने केवल एक लोगों का एक धर्म विशेष का वर्जन नहीं सुना। आप अभी कह रही थी कि आप क्या वहाँ पे रोहिंग्याज हैं, मैंने उनको खुद उनसे बात की जाके, मैंने उनका भी प्रोस्पेक्टिव जानने का, नरेटिव जानने का प्रयास किया। आपको आश्चर्य होगा, 13-13, 14-14 साल की बच्चियाँ वो ये कह रही थी कि रमजान के महीने में जय श्री राम क्यों। हम तो कभी नहीं कहते कि दिवाली पे रमजान आएगा या दिवाली पे शबे बारात आएगी, तो हम तो नहीं कहते। हम सब यहाँ पे प्रेम से रहना चाहते हैं, प्यार से, बट छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनका इतना ब्रेन वॉश। मैंने उनसे पूछा पत्थर फेंके गए, उन्होंने कहा हाँ फेंके हमने पत्थर। ये छोटा, ये उन बच्चे मतलब स्कूल और जो पढ़ाई सीखने की एज में उनके मन में इतना जहर भरा जा रहा है। मैं मतलब वहाँ पे देख रही थी वो, और मैंने कहा जब वो बता रहे थे, मैंने पूछा आपने देखा है? नहीं मैंने देखा नहीं है हिंदुओं को करते हुए, मैंने सिर्फ सुना है। मतलब वो बच्चे, उनके अंदर डर भी नहीं था वो। तो मुझे तो ये है कि ये जो जनरेशन है वो तो जो कर रही है तो कर रही है, आगे आने वाली कितनी पीढ़ियों को ये बर्बाद कर रहे हैं इस धर्म की नफरत की आंधी में, इसको रोकना चाहिए। हमने जो फैक्ट फाइंडिंग की, हमने इसीलिए दोनों वर्गों का, दोनों धर्म के लोगों का नैरेटिव रखा। तो मैं आपको ये स्पेशली बताना चाहूँगी, उन्होंने स्वीकार किया हाँ हमने पत्थर फेंके हैं। ये लोग बच्चों को जो है टारगेट करते हैं और उनको आगे करते हैं। टारगेट नहीं, उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटजी, आपने दिल्ली दंगे में भी देखा, उन्होंने अपनी स्ट्रैटजी लगातार प्लान की है। शाहीन बाग देखा आपने, दिल्ली दंगा देखा, वो ये जानते हैं कि महिलाएं समाज के लिए संवेदनशील मुद्दा है। जब पुरुष खड़े होते हैं तो हो सकता है कि एक बार उनके खिलाफ अनुशासन लिया जाए, लेकिन महिलाएं बहुत सॉफ्ट टारगेट है। महिलाओं को लोग, आप जरा सा कुछ करेंगे लोग कहेंगे महिलाएं और बच्चों पे उन्होंने प्रहार कर दिया, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ। इसलिए उन्होंने अपनी सुनियोजित साजिश के तहत महिलाओं को आगे रखा है। और अब तो महिलाओं क्यों, 12-12, 13-13 साल की छोटी छोटी बच्चियां हैं, अपने मुंह को पूरा ढक करके रखती हैं और ऐसे प्रश्न करती हैं, ऐसे उनके अंदर बातें हैं, हाँ हम करेंगे। उनको कोई अफसोस नहीं, कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा, मैं आपको एक उनका रिटर्न स्टेटमेंट बताती हूँ, उन्होंने कहा मुझे कि जय श्री राम का भड़काऊ नारा क्यों लगेगा के सामने। भड़काऊ नारा उन्होंने, भड़काऊ नारा, जय श्री राम का जो उद्घोष है वो उनके लिए भड़काऊ नारा है। तो ये देश तो सांप्रदायिक सौहार्द का देश है, हम तो कभी नहीं कहते, हमारे यहाँ के बच्चे तो कभी नहीं कहते। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हमें बड़ा पॉजिटिविटी के साथ सोचने की जरूरत है। ये जो विद्रोह की राजनीति, ये जो आपस में एक विद्वेष की राजनीति चल रही है, ये कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है। इसको रोकने के लिए आप क्या क्या आगे और सोच रहे हैं? देखिए, समाज सबसे पहले तो सभी नागरिकों का कर्तव्य है, हम केवल तमाशबीन बनकर नहीं देख सकते। हमें एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निर्धारित करनी पड़ेगी और ये देखना होगा, आपको सच कहने का मादा लाना पड़ेगा। केवल ये कि नहीं नहीं हमारी लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, कि हमारे घर के परिवार के साथ किसी की तरह ना, जब तक हम ये देखते रहेंगे तब तक ऐसे काम होते रहेंगे। दूसरा, अगर गलत हुआ है, वो किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग विशेष के द्वारा किया गया हो, उसकी आलोचना होनी चाहिए, ना कि आप अपने गंदी राजनीति के षड्यंत्र में एक वर्ग विशेष को, मैं वर्ग विशेष में सारे लोग ऐसे हैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन जो कर रहे हैं ये घिनौनी राजनीति, उनको बचाने की साजिश बंद होनी चाहिए और समाज को आगे आना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर। किताब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये जिस तरीके से जहांगीरपुरी वॉयलेंस द अनटोल्ड स्टोरी, ये जिया की तरफ से लाई गई है, ये है ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस। तो इन लोगों ने जो है काम किया है लगातार ग्राउंड जीरो से, चाहे वो दिल्ली दंगे हो 2020 के या फिर जहांगीरपुरी के दंगे हो 2022 के, तो इस पर इन्होंने हमेशा ही जो है काम करने की कोशिश की और ग्राउंड जीरो से जो है जाकर वहाँ पर जो विक्टिम्स है और जिन लोगों ने ये किया है उन दोनों ही पक्षों से जाकर बातचीत की है और बातचीत करके जो नतीजा सामने निकल कर आया है वो इन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया है और ये अब होम मिनिस्ट्री तक ले जाने की बात भी कर रहे हैं। मैम, आपने जिस तरीके से अभी सब बताया तो आप क्या कहेंगी कि आपने जो किताब में चीज़ें डाली हैं, आपने वो सब एक्सपीरियंस क्या पहले लोगों से जाके हाँ सभी से बातचीत की थी। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है जैसा कि मोनिका जी बता रही हैं, तो जो हम लोगों को वहाँ फैक्ट्स पता चले वो हमने रिपोर्ट में लिखे हैं। क्या क्या एक्सपीरियंस, मतलब आप लोगों ने विशेष वर्ग के लोगों से भी बात की है या फिर उन लोगों से बात की है? जो जो हमें वहाँ मिला हमने सबसे बात की और उसके बाद ये फैक्ट्स हम लोगों ने इसमें डाले। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरीके से दंगा हुआ, फसाद हुआ, उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुकी है कि किस तरीके से वहाँ पर विवाद शुरू हुआ, पर इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से हिंदू लोग जो थे उन्होंने दंगा शुरू किया था।
ऐसा ना, इसीलिए तो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने यहाँ सारे तथ्य बताए हैं। लोग भ्रांति फैला रहे हैं तो उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। सब जगह पता लग रहा है, आदमी पता लग रहा है, किसने रिवॉल्वर निकाली उसकी हाथ में रिवॉल्वर दिखाई दे रही है, जिसने पत्थर मारे वो पत्थर हाथ में दिखाई दे रहे हैं, तलवारें दिखाई दे रही है। अब उसके बाद भी लोग भ्रांति फैला रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी सारे दंगे करा रही है। हाँ ठीक है, वो राजनीतिक एजेंडा है उनका, वो तो जो कुछ भी होगा वो बीजेपी पे ही ला देंगे, वो तो राजनीतिक एजेंडा है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना। राजनीति के अलावा भी जिस तरीके से चीज़ें वहाँ पर हुई हैं उनके ऊपर वहाँ लोगों का हिसाब पूछने से ज़्यादा कि कितने लोगों को ज़्यादा शरारती पहुँचे, कितने लोग जो हैं उन लोगों को दुख हुआ है, कितने लोगों को जेल में डाल दिए, इन सब लोगों का हाल पूछने की बजाय राजनीति क्यों की जा रही है राजनीतिक पार्टी? हाँ नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, इसको एक आपराधिक गतिविधि के तरीके से देखना चाहिए। जिन लोगों ने भी हमला किया है और वो लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति की गुंजाइश नहीं है। फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता। सर यहाँ पे एक बात बताइए, बुलडोजर की कार्रवाई जो जहांगीरपुर में अभी हुई थी उसका और इस दंगों का कोई लेना देना नहीं है आपस में, क्योंकि उसको लेकर अलग जो अवैध निर्माण था उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, पर उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि ये जो एक विशेष समुदाय के ऊपर राजनीति की जा रही है, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है जहांगीरपुरी, उसका कारण ये है कि ये अरविंद केजरीवाल जी की जो टीम है उनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, इसलिए वो केवल सीधे और सीधे कुछ भी आप करो वो घुमा फिरा करके उसको उधर ही लेकर के जाएंगे। उनके टारगेट और कुछ नहीं है, उनको केवल मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, इसके लिए वो ऐसी बातें करते हैं। अभी यहाँ पे जिस तरीके से जिया की तरफ से जो रिपोर्ट शामिल की गई, उन्होंने रिपोर्ट में जिस तरीके से चीज़ें बताई, उन्होंने कहा कि जिस एरिए में जहाँ पर दंगे हुए वहाँ ज़्यादातर रोहिंग्या बसे हुए हैं, यही बात को अरविंद केजरीवाल ने उठाया, उन्होंने कहा बीजेपी ने बसाए हैं ये सारे रोहिंग्या। देखिए हम सब जानते हैं कि दिल्ली की सरकार उनको आधार कार्ड बना के दे रही है, दिल्ली की सरकार उनको पानी के कनेक्शन दे रही है, दिल्ली की सरकार उनको बिजली के कनेक्शन दे रही है, तो उसमें केंद्र कैसे बसा देगा? दिल्ली के अंदर पानी बिजली सब तो राज्य सरकार के पास है, तो केंद्र कैसे बसा देगा उनको? जन सुविधाएँ केंद्र कैसे दे देगा? तो वो केवल झूठे आरोप लगा रहे हैं और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, पूरी दिल्ली जानती है। पंसार जिसने पुष्पा का एक्ट किया था और कहा था किसी से झुकूंगा नहीं, उसी को लेकर आज तमाम वीडियो सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अभी तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कहना था कि बीजेपी दंगे करा रही है, पर जैसे ही मोहम्मद अंसार की गिरफ्तारी होती है कहा जाता है कि ये तो सिर्फ एक विशेष समुदाय के ऊपर राजनीति की जा रही है, एक ही विशेष समुदाय के लोगों को गिरफ्तारी हो रही है। ऐसा ना, जिनको राजनीति करनी है आप कहीं भी कुछ भी घुमा गए वो बात को वहीं लेकर के जाएंगे। उनको मुसलमानों के वोट चाहिए, वो मुसलमानों के हमदर्द बन करके दिखाना चाहते हैं अपने आप को, इसलिए वो हमेशा ऐसी ही बात करेंगे। जिस तरीके के दंगे जहांगीरपुरी में हुए उसी तरीके की चीज़ें हमने देश भर में कई जगहों पर देखी, पर दिल्ली के ही इस विषय को लेकर राजनीति क्यों, दिल्ली के दंगे को ही लेकर राजनीति क्यों? ऐसा ना, ये सब जगह अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं उनकी जो भी राजनीतिक एजेंडे हैं उसके हिसाब से अलग अलग जगह वो इस प्रकार की कार्रवाई करती हैं। जैसे गहलोत सरकार ने अलवर में मंदिर तोड़ने की कार्रवाई करी, ये यहाँ मंदिर नहीं तोड़ सकते तो ये आरोप प्रत्यारोप की कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सब सरकारें अपने एजेंडे के तहत कार्रवाई करती हैं, इसलिए ये सब दिल्ली के अंदर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जहांगीरपुरी में जिस तरीके से 16 अप्रैल को दंगा देखने को मिला, उसके बाद तमाम जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा चुकी है, यहाँ पे हमारे साथ उसी दंगे के पीड़ित भी मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा शंकर दुबे। अच्छा ये बताइए क्या हुआ था उस दिन, किस तरीके से दंगों की शुरुआत हुई? ये सभी जानते हैं कि किस प्रकार से यात्रा पे हमला किया गया था, शांतिपूर्वक जुलूस पे। जी शांतिपूर्वक जुलूस जा रहा था उसके ऊपर पत्थरबाजी की गई, पर आज फिर भी अगर दिल्ली में सरकार बोलने के समय संभव नहीं है, गले में पेन बहुत ज्यादा है इसलिए मैं ज्यादा भी बोलना संभव नहीं है। राजनीति जो लोग कर रहे हैं इस पर दिल्ली सरकार के लिए अपना अलग अलग विषय है। ठीक है धन्यवाद। ये पीड़ित हैं जिस तरीके से 16 तारीख को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हमें दंगा देखने के लिए मिला, और कितने ही लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जो पीड़ित थे, जिनके ऊपर पत्थर चलाए गए, जिन लोगों की जान को उस दिन खतरा था, जिनके ऊपर तलवार पत्थर चलाए गए, आज वो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे, पर बात यही है कि वो बोलने के मूड में नहीं थे, उनकी इतनी हालत नहीं थी कि वो बोल पाएँ। और ऐसा ही हमने जब उमाशंकर सिंह से जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी कहा कि मेरे गले में दर्द है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वहां पर दंगा फसाद हुआ और दंगा फसाद में जितने भी आरोपी हैं उनके ऊपर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। पर अगर यहां की बात करें कि फैक्ट फाइंडिंग जो टीम यहां पर आई थी जिया की तरफ से, ये जो कमेटी है यहां पर जो फैक्ट सामने रखे गए, इन जो फैक्ट में कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाई गई जनता के सामने और दिखाई गई कि किस तरीके से जो दिल्ली में दंगा हुआ उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। वहीं अगर केस फाइल की बात करें तो कैसे सिर्फ एक ही
किस तरीके से केस दर्ज किए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है, आप ज़रूर बताइए।